वेलकम टू डीएम वर्ल्ड। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फुड़िया फुंसी और बाल तोड़ के लिए ऐसा घरेलू नुस्खा जिससे आपका फोड़ा फुंसी बाल तोड़ एक ही दिन में पककर फूट जाएगा। तो आइए जानते हैं क्या है वो नुस्खा और आपको किस तरह से इसका यूज़ करना है। तो प्यारे दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। और बताना चाहूँगा दोस्तों, हमने एक मुहिम स्टार्ट की है। हमारा कहना है कि हम ज़्यादातर गरीब लोगों को फ्री दवा भिजवाएंगे, ऐसा प्लान है। फिलहाल आप लोगों का साथ चाहिए, तो प्लीज़ दोस्तों बस आप इतना कीजिए, हमारी वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें सपोर्ट कर सकें। फोड़ा फुंसी बाल तोड़ होने के कारण, फोड़ा फुंसी अक्सर खून की खराबी या धूल मिट्टी विषाणु से हो जाती है। बाल तोड़ हमेशा बाल टूटने की वजह से होता है। हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में बाल टूट जाने पर बाल तोड़ निकल आता है जिससे बहुत तकलीफ होती है। चलिए आइए जानते हैं इसे ख़त्म करने के उपाय। इसे दोस्तों किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। सबसे पहली चीज़, आप जो बेल्ट या पैंट तो जो है बहुत ज़्यादा अगर टाइट पहनते हैं जिससे आपके बाल टूटने के चांसेस रहते हैं, तो आपसे बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप घर पे रहते हैं तो आप लोअर में रहें या फिर आप पैंट ढीली ढाली पैंट का इस्तेमाल करें जिससे कि आपके बाल ना टूटे। अगर अक्सर आपको बाल तोड़ की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बस इसका यही सोल्यूशन है कि आपके बाल ना टूटे, तो आपके लिए जब बाल तोड़ हो जाता है उसके लिए मैंने ज़रूर बेस्ट और ज़बरदस्त दवा बताई हुई है। फोड़ा फुंसी के लिए भी बहुत ज़बरदस्त, जिससे आपका एक ही दिन में पककर फूट जाएगा। तो आइए जानते हैं दोस्तों क्या है वो दवा और किस तरह से आपको यूज़ करनी है। इससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि आपको एक एक स्टेप बहुत ध्यान से देखना है जिससे आपको पूरी तरह समझ में आ सके। वैसे सिंपल सी वीडियो है दोस्तों, आपको मुझे उम्मीद है कि आप एक बार में पूरी तरह से समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये रहा हमारा देखो सामान जो हमें चाहिए होगा। सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ, हमने लिया क्या क्या है। तो चलिए बताता हूँ। ये आपका नीम वाला ट्यूब हो गया दोस्तों, जो नीम कॉली का ट्यूब आपने सुना होगा, पिछली बार मैंने वीडियो में आपको बताया था, कुछ लोग नहीं समझ पाए थे, तो अब देख लें, ये है नीम वाले ट्यूब। ये मैंने तीन ले रखे हैं। फिलहाल आप अगर दिन में तीन बार यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने ये तीन आपको रिव्यू में दिखाए हैं कि आप तीन ट्यूब लें। उसके बाद किस तरह से आपको इसका यूज़ करना है वो मैं आपको पूरी तरह बताने जा रहा हूँ। ये हो गया आपका लंका का पान दोस्तों। ये आपका लंका का पान कहीं भी आप खरीद सकते हैं। बाज़ार में जाते हैं तो बाज़ार में भी आपको पान मिल जाता है, किसी पान वाले की दुकान पे जाएंगे वहाँ पे भी वो आपको पान दे देगा। तो इसे किस तरह से आपको लगाना है इस पे वो मैं आपको पूरी तरह बता देता हूँ, और उसके बाद किस तरह से आपको ये फुड़िया फुंसी या बाल तोड़ पे लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन ये गारंटी है दोस्तों, आप इसे लगाएंगे तो एक बार में आपका बाल तोड़ फिट हो जाएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और पक जाएगा बाल तोड़। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। किस ये सबसे पहले हमें इसे तोड़ लेते हैं दोस्तों। देखो, इसे हमें घुमा के तोड़ना है। फिलहाल ठंड में ये थोड़ा ऐंठा हुआ है इसलिए थोड़ा मुश्किल से टूट रहा है। तो चलिए, ये देखिए दोस्तों खुल चुका है हमारा ट्यूब। उसके बाद हमें किस तरह से इसका यूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये हमें देखिए पान को इस तरह से ऊपर से सीधी साइड से इस पर लगाना है। पूरी तरह लगा लें दोस्तों, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। इसे पूरी तरह दोस्तों पिचका के निकाल देना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं दोस्तों पूरी तरह ये निकल रहा है। अब जैसे ये आपका ख़त्म हो जाए उसके बाद आपको देखिए ये हमारा लग चुका है दोस्तों ट्यूब। अब हमें इसे पूरी तरह से, थोड़ा भी इसमें रह ना जाए, पूरी तरह से इसको निकाल लें। अब ये देखिए हमारा लग चुका है, इसे हमें पूरी तरह इस पर लेप कर लेना है। एक उंगली से इसे लेप कर लें बढ़िया करके दोस्तों। पूरी तरह दोस्तों इसको लेप करने के बाद आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों ये लेप हो चुका है इस पर पूरी तरह से, ये हमारा तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है इसका वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको बड़ी ध्यान के साथ देखना है दोस्तों। ये हमारा हो गया तवा जिस पे हम रोटी बनाते हैं दोस्तों। अब ये हमें पहले गैस खोलनी है, उसके बाद इसे जलाना है लाइटर से। अब इसे थोड़ा गर्म होने दें। जैसे ही आपका गर्म हो जाता है उसके बाद आप पान को उठाएँ जो आपने जिस पे ट्यूब लगाया है, थोड़ा तेज़ कर लेते हैं ताकि जल्दी गर्म हो जाए दोस्तों। आप इस पान को उठा के इस पे रखेंगे उल्टे साइड से, जहाँ से आपने ट्यूब लगाया उस साइड से ना रखें दोस्तों। देखो ये ट्यूब है ऊपर लगा हुआ और हमें रखना है इसे उल्टे साइड से, ट्यूब की साइड जो है ऊपर रहनी चाहिए दोस्तों। अब ये आप देख लें पूरी तरह ये चटकने लगेगा। जब ये आपको पूरी तरह चटकने लगे, देखिए अभी आपको दिखाई देगा इसमें पूरी तरह से, ये देखिए दोस्तों अभी आपका चटकने लगा है और ये धुआं भी निकलने लगा है। तो इसे उठा लें फौरन ही दोस्तों, देर ना करें जिससे ये जल ना जाए, जल गया तो ये ख़राब हो जाएगा दोस्तों। गैस को बंद कर दें और इस पान को आपको उठाना है, और उसके बाद आपको किस तरह से लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ।
दोस्तों ये देखिए आपका पूरा महीन सा दिखने लगा है, एकदम लूज हो चुका है। आपके अगर हाथ पे फुंसी है तो हाथ पे इस तरह से लगा लें, वरना फुंसी के ऊपर इसे लपेट लेना है। अब ये इस तरह से लपेट चुका है कि इसे हम कितना भी हिलाएंगे ये गिरेगा नहीं। दोस्तों पूरी तरह ये तैयार हो गया है, आपका रेमेडी बस यही है, आपको यही लगा के और सो जाना है। सुबह में आपकी फुंसी बिल्कुल ठीक मिलेगी या दिन में आप इसे 3 बार लगाएं। तो प्यारे दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।